शर्मा जी, नवीन केडिया जी, बहन कृष्णा फोगाट जी, रियाज जी, रंगालाल जी, विजय जी, चलो और यहाँ पर उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, बुजुर्गों, साथियों, जब जब मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ा सिरसा में, सिंगी घाट मोहल्ले में मैं हमेशा आई और सिंगी घाट मोहल्ले ने मेरी हमेशा मदद की। मुझे अब तो देखो पुराने कमरे के सब नई नई आ गई है, तब छोटी छोटी थी, तो पुराने लोगों ने भी उस समय भी, और मुझे याद है कि जब हम विपक्ष में भी थे और हमारी हम प्रदर्शन करते थे उस समय सरकार के खिलाफ, जो सरकार थी उसकी गलत नीतियों के खिलाफ, तो आप लोगों ने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा। मतलब एक मैंने इनको कहा, मैंने कहा प्रोग्राम जहाँ भी रखो सिरसा में, सिंगी घाट मोहल्ले में जरूर रखना है मेरा प्रोग्राम, क्योंकि आपका जो प्यार मुझे हमेशा मिला, देखो चुनाव उतार चढ़ाव अलग और क्षेत्र भी बड़ा होता जाता है, और जरूरी नहीं है कि सब जगह हम पहुंच भी पाए, लेकिन जहाँ से लगाव होता है और जिन लोगों का प्यार मिला होता है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। बहुत से लोग बदल जाते हैं लेकिन आप लोग नहीं बदले, आपका प्यार कायम रहा है। मैं दो बात बताना चाहूंगी। देखो बात ये है कि आज के दिन सरकार है भाजपा की, और जो भाजपा की सरकार है उनके तौर तरीके आप देख लो। आज हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने देखा कि उनका एक जुलूस जा रहा है, और जुलूस भी किन चीजों का है, बुलडोजरों का, जेसीबी का। जेसीबी किस चीज के लिए यूज करते हैं, तोड़ फोड़ किसकी होती है, गरीब आदमी होगी, अमीरों की तो करते नहीं, कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बड़ी कोठी की तोड़ फोड़ की हो, गरीबों की करेंगे, तोड़ फोड़ करते हैं तो गरीबों की करते हैं, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं होता और तोड़ फोड़ कर देते हैं गरीबों की। अब ये इस तरह का जुलूस निकालना और ये दिखाना कि भाजपा सरकार बुलडोजर लेके अपनी शान दिखा रही है कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो साथियों ये तोड़फोड़ का देश नहीं है, ये बनाने का देश है, निर्माण का देश है, जोड़ने का देश है, ईंट ईंट जोड़ के इमारत बनती है। ये दिखावा जो इस तरह का करते हैं, देश नहीं मानता ऐसी चीज को। ठीक है आज इनके पास ताकत है लेकिन कल ये ताकत नहीं होगी, इस तरह की तानाशाही हमेशा नहीं चलेगी और ना चलने देंगे। हम मिलके निकलेंगे ऐसे दौर में से। साथियों इनकी ऐसी करतूतों से हमें देश को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है, गरीब को भी बचाना है, और गरीब को गरीब क्यों रहने देना है, मैं ये पूछना चाहेंगे। 10 साल मोदी जी की सरकार रही है, 10 साल में मुझे ये बताओ कितने गरीबों को इन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। गरीब तो बहन जी और गरीब हुआ है, और गरीब किया है, गरीब तो गरीब, क्योंकि अमीर को इतना अमीर कर दिया, गरीब और गरीब हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी,
घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम आपसे वायदा करते हैं, देखो बहनों, हमारी सरकार बने, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने, और हमारी सरकार बनके हमने सबसे पहले गरीबों का काम करना है। गांव में हमने शुरू किया था काम की, गरीबों के लिए हम नरेगा लाए ताकि सभी लोगों को कभी ना कभी रोजगार की गारंटी देश में मिले और सरकार उनको उनकी दिहाड़ी दे। उसी तरह से अब हमने शहरों में भी ऐसे रोजगार की गारंटी की स्कीम बनानी है। हमारी सरकार आएगी तो शहरों में भी हम रोजगार की गारंटी देंगे। और एक बार एक बात और बता दूं, मेरी बहनें इतनी यहाँ पे बैठी, मेरी बहनें तो वैसे ही मेरे को पूरा सपोर्ट करती हैं, लेकिन देखो हमने आपके लिए करना है। हमारी सरकार बनेगी तो हम हर गरीब परिवार में, सुनो साथी, हर गरीब परिवार में एक महिला को, हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1,00,000 रुपया देंगे हर साल। बहन कुमारी शैलजा, सिर्फ अमीर ही अमीर क्यों बने मोदी जी, हमारे गरीब क्यों ना लखपति बने? हम झूठे सपने नहीं दिखाते। मोदी जी ने कहा सबकी जेब में 20 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, एक भी पैसा नहीं आया, लेकिन हम ऐसी बात कहेंगे जो कर सकेंगे। हमने कोई ये नहीं कहा 50 लाख या कितना करेंगे, हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1,00,000 रुपया देंगे। और मैं आपको बताऊं, जब हम सरकार में थे तो हमने स्कीम चलाई थी कि शहरों में भी जो गरीब लोग बसते हैं उनकी बस्तियों में भी उनको भी अच्छे मकान बना के दो, लेकिन नहीं, लेकिन भाजपा ने, भाजपा सरकार जब आई इन्होंने वो स्कीम ही खत्म कर दी, स्कीम ही खत्म कर दी। स्मार्ट सिटी ये वो ऐसे नाम तो दे दिए, लेकिन शहरों के गरीब बस्तियों के लिए कुछ किया नहीं। समय आएगा फिर से हमारी सरकार बनेगी, हम गरीबों के लिए करें, गरीबों के लिए। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं मैं अभी वही याद कर रही थी कि जब पहले टाइम में मैं आया करती थी तब रावण राम जी होया करते थे। ये साथ में होता था, इसको मैंने पहचान लिया। साथियों, अपना एक रहा है, पुराना रिश्ता रहा है, पुराना प्यार रहा है, तो आने वाला वक्त होगा, सबसे पहले मदद किसी की होगी तो गरीब की होगी। अभी मैंने वर्क ये देखा है कि अब बच्चों को भी पढ़ाने लग गए, जो उस टाइम हमने नींव रखी, बच्चे पढ़ गए, एमए भी कर गए, तो आगे जब नौकरियां रखी जाए तो सबसे पहले हमने इन बच्चों का भी ध्यान करना है जो पढ़ लिख गए हैं, सभी समाज में। तो मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी गर्मी में मेरी बहनें बैठी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख को चुनाव है।